अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। ओल्ड मैन का इंट्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू है। उस तरह से बात हो रही थी कि 3 डेज एंड 3 नाइट्स इसका बड़ा ही जो मुश्किल टास्क था, इसने एक बहुत बड़ी फिश हुक किया, और इतनी बड़ी फिश जो हिस्ट्री में कभी किसी और फिशरमैन ने हुक नहीं की। ये उसको जब वापस लेकर आना चाह रहा है तो रास्ते में इसको जो है वो हार्डशिप्स हैं, मुश्किल हैं, वो शार्क्स हैं। शार्क्स अटैक करती हैं, 3 अटैक्स में वो सारी जो फिश है उसका गोश्त ले जाती हैं, और ये स्केल्टन लेकर बाहर मेन पे आ जाता है, यानी कोस्ट पे आ जाता है। तो लोग ये थका रहा, डेड टायर्ड है, आके बेहोशी की हालत में गिर जाता है अपनी हट में। तो लोग जो हैं वो आकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा काम इसने किया, ओल्ड मैन ने। तो ऐसा कोई फिशरमैन जो है उसने कभी हिस्ट्री में ऐसा काम नहीं किया। इसका जो हेल्प करने वाला जो एक अप्रेंटिस है, इसका शागिर्द है लड़का, वो इसकी हेल्प के लिए आ जाता है, इसकी लिए कॉफ़ी वगैरह लाता है। तो इस तरह ये स्टोरी जो मेन है जो आपको बताई वो तो ऐसी है, लेकिन ये ड्यूरिंग फिशिंग जो है, और बिफोर फिशिंग, ड्यूरिंग और आफ्टर फिशिंग, ड्रीम्स वगैरह भी देखता है, पास्ट मेमोरीज इसको याद आती हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो सारे यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ड्रा किए हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो असल में आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उनको आपने समझना है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये ऐसे समझने के जैसे सब्जेक्टिव पेपर था, तो यही पॉइंट्स जो है ये क्वेश्चन बनते थे, लॉन्ग क्वेश्चन। आप इनमें देखिए कि ओल्ड मैन ऑफ द सी सैंटियागो, इसमें लिखा मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी डिफीटेड। ये जो है इस पूरे नॉवल का न्यूक्लियस है, समझिए कि इस पूरे नॉवल की जो जान है या मेजर जो उसका सेंटेंस है जिसके गिर सारा नॉवल घूमता है, ये सेंटेंस क्या कहता है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी उम्मीद है कि इंसान तबाह हो सकता है लेकिन कभी शिकस्त नहीं खा सकता। इसलिए नॉवल टोटली ऑप्टिमिज्म पर है, और ऑप्टिमिज्म में ये है कि इसमें उम्मीद ही उम्मीद है। एवरी डे इज अ न्यू डे, वो अपने आप से कहता है, मे बी टूडे वो कहता है कि हो सकता है आज ही मैं फिशिंग करी, और 85th डे वो अपना जो है वो गोल अचीव कर लेता है। दूसरा, ये नॉवल सिम्बोलिक है, सिम्बोलिज्म, इसमें हर चीज़ जो है वो सिम्बलिज्म में आती है। मसलन हेमिंगवे, ओल्ड मैन खुद सिम्बोलिक है, हेमिंगवे खुद, क्योंकि हार्डशिप उसने अपनी लाइफ में गुजारी बड़ी मुश्किल से, और आखिरकार वो उसने नोबेल प्राइज विन किया और इस नॉवल के थ्रू, इसलिए हेमिंगवे खुद अपने आप को ओल्ड मैन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहा है। डिमैगियो ओल्ड मैन का आइडियल पर्सन है, जो बेसबॉल का प्लेयर है, उसको ओल्ड मैन देखकर अपनी मतलब मंजिल की तरफ बढ़ता है। फिर इसमें हार्डशिप्स हैं, शार्क्स हैं, जैसे हमारी लाइफ में मुश्किल आती हैं, तो इसमें शार्क्स हैं वो सिम्बोलिज्म में आ जाती हैं कि ये 3 मेजर अटैक करती हैं और इंसान की जैसे ज़िंदगी में मुश्किल उससे पड़ती हैं, और वो अपने बड़े बड़े जो है वो गोल अचीव करने में लूज कर लेता है। फिर इसमें गोल जो है वो मार्लिन है, फिश जिसको हुक करता है। इसमें पास्ट मेमोरीज हैं, मेमोरीज उसको क्या देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, जैसे वो हैंड गेम उसने एक नेग्रो के साथ 24 आवर्स में विन की थी। इस तरह इसमें सी करेक्टर एक लिविंग करेक्टर है, एक समुंदर जो है समटाइम फिशरमैन की हेल्प में है, कभी अगेंस्ट है। इस तरह इसमें जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ओल्ड मैन जो है वो होपफुल है, इसलिए वो रिलीजियस है। इस तरह इसमें जो है वो उसे मुख्तलिफ जो इसकी मतलब कह सकते हैं कि लव का कंसेप्ट है, कि इसका जो शागिर्द है लड़का वो मैनोलिन, वो इसका अपने इसको अपना बाप समझता है, और ये उसको बेटे की तरह, क्योंकि